ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। કેટલાક જિલ્લામાં ઓરેન્જ તો ક્યાંક યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। આજે સાબરકાંઠા અરવલ્લી મહીસાગરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ છે તો પંચમહાલ દાહોદ છોટાઉદેપુર સાથે નર્મદા તાપીમાં પણ ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। ગાંધીનગર બનાસકાંઠામાં યલો એલર્ટ તો પાટણ મહેસાણા સુરેન્દ્રનગરમાં અને રાજકોટમાં પણ યલો એલર્ટ અપાયું છે। બોટાદ મોરબી ભાવનગરમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ તો ખેડા આણંદ વડોદરા ભરૂચમાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। સુરત નવસારી વલસાડમાં આજે યલો એલર્ટ છે। રાજ્યમાં સિઝનનો 20%થી વધારે વરસાદ પડ્યો છે। अगले 5 दिनों के लिए गुजरात रीजन में जो है अभी बारिश देखने को मिलेगी, हैवी से वेरी हैवी। और सौराष्ट्र कच्छ में जो है अगले 3 दिनों के लिए जो है कुछ जगहों पे हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा। उसके बाद बारिश जो है थोड़ी कम होगी। हैवी रेनफॉल के लिए जो है डे 1 अगले 24 घंटों के लिए जो है गुजरात रीजन में कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो हैवी से वेरी हैवी रेन होने की संभावना है, जिसमें साबरकांठा, अरावली, महीसागर, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, जो कि मध्य प्रदेश से जो है सटे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें जो है हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। गुजरात के बाकी जो है गुजरात रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हैवी आइसोलेटेड प्लेसेस में जो है होने की संभावना है। सौराष्ट्र में बात करें तो उसमें मोरबी, राजकोट, सुरेंद्रनगर, बोटाद तथा भावनगर हैं जहाँ पर हैवी आइसोलेटेड होने की संभावना है। डे 2 में जो है हैवी से वेरी हैवी सौराष्ट्र कच्छ में भी जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेगा, जिसमें सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, बोटाद, अमरेली तथा भावनगर है जहाँ पे हैवी से वेरी हैवी होने की संभावना है ऑरेंज अलर्ट के साथ। बाकी सौराष्ट्र में हैवी आइसोलेटेड रहेगा, कच्छ में ड्राई रहेगा। सौराष्ट्र गुजरात रीजन की बात करें उसमें आणंद, सूरत, वडोदरा, भरूच, नर्मदा, छोटा उदयपुर है जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट के साथ हैवी से वेरी हैवी आइसोलेटेड प्लेसेस में रेन होने की संभावना है। साउथ गुजरात के बाकी हिस्सों में जो है येलो अलर्ट के साथ हैवी आइसोलेटेड रहेगा। और नॉर्थ गुजरात में बात करें अहमदाबाद, गांधीनगर, खेड़ा और अरावली, महीसागर, दाहोद जो है इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हैवी आइसोलेटेड देखने को मिलेगा। डे 3 ऑनवर्ड्स जो है रेन जो है कम देखने को मिलेगी, जिसमें जो है मुख्य तौर पर जो है सौराष्ट्र के जो हिस्से हैं जैसे द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, जामनगर, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, कच्छ, इसमें हैवी आइसोलेटेड भी थी और येलो कलर के साथ है। साथ ही गुजरात रीजन में अहमदाबाद, गांधीनगर, खेड़ा, आणंद, साबरकांठा, अरावली जो है जहाँ पे हैवी आइसोलेटेड होने की संभावना है। 4-5 में जो है साउथ गुजरात में जो ऑफशोर ट्रफ है उसके अलॉन्ग जो है रेनफॉल देखने को मिलेगा, जिसमें मुख्य तौर पर नवसारी, वलसाड, दमन, दादरानगर हवेली डिस्ट्रिक्ट हैं। थंडरस्टॉर्म के लिए अगले 3 दिनों के लिए गुजरात में जो है थंडरस्टॉर्म वार्निंग दी गई है येलो अलर्ट के साथ। अगले 5 दिनों के लिए जो है गुजरात कोस्ट में जो है फिशरमैन वार्निंग रहेगी, 35 से 45 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 55 किलोमीटर पर आवर, सी कंडीशन मॉडरेट टू रफ रहने की संभावना है। टोटल अगर हम बात करें पूरे गुजरात में सीजन का जो रेनफॉल है उसमें जो है नॉर्मल से जो है 20% अत्यधिक बारिश दर्ज की गई है, जिसमें 410.5 mm जो है अभी तक रेन दर्ज किया गया है जो नॉर्मल से 20% अधिक है। साथ ही अगर हम रीजन वाइज बात करें जिसमें गुजरात रीजन के नॉर्दर्न पार्ट में जो है नॉर्थ गुजरात में मुख्य तौर पर जो है बारिश कम देखने को मिली है बाकी हिस्सों से, जिसकी वजह से जो है गुजरात रीजन की बात करें रीजन वाइज उसमें जो है -5% जो है कम है नॉर्मल से रेन गुजरात रीजन में। सौराष्ट्र कच्छ में काफ़ी बारिश देखने को मिली है सौराष्ट्र रीजन में, जिसकी वजह से जो है सौराष्ट्र में 53% जो है ज़्यादा रेनफॉल है नॉर्मल से। अहमदाबाद, गांधीनगर की बात करें तो अहमदाबाद, गांधीनगर के लिए कुछ जगहों पर जो है हैवी आइसोलेटेड हो सकता है, और सिटी की बात करें तो लाइट टू मॉडरेट रेन जो है टुवर्ड्स इवनिंग जो है दिया गया है। नवसारी में शुक्रवार पूर्णा नदी की जल